गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी जो एक्सरसाइज 5.1 थी वो हम लोगों ने क्लियर की थी। ओके, नाउ इन दिस क्लास व्हाट विल स्टडी? इन दिस क्लास विल सॉल्व आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2 ऑफ रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। ठीक है, इस क्लास में क्या स्टडी करेंगे हम लोग? इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या रिलेशन होता है, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम लोगों ने रिलेशंस देखे थे, ओके उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या रिलेशन होते हैं ये हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज के थ्रू, स्टार्ट करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 5.2, राइट टू डिवीजन फैक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। क्या करना है हमें? टू डिवीजन फैक्टर राइट डाउन करने हैं इस मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के थ्रू। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। पहले ए क्वेश्चन क्या है, 17 × 4 इक्वल्स टू 68। फिर क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, 68 डिवाइड बाय समथिंग इक्वल्स टू समथिंग एंड 68 डिवाइड बाय समथिंग इक्वल्स टू समथिंग। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे ये फाइंड अप करना है। क्वेश्चन में क्या क्या बताया हुआ है, 17 × 4 इक्वल्स टू 68। 17 × 4 = 68। ओके, सो अगर मैं 68 को 17 से डिवाइड करती हूँ, अगर मैं 68 को 17 से डिवाइड करती हूँ, इन फर्स्ट कंडीशन, अगर मुझे 68 को 17 से, 68 को 17 से पहले करेंगे, फिर 68 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 68 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 68 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे तो 68 डिवाइड बाय 17। चेक आउट करो कि 17 की टेबल में 68 कितने टाइम्स आता है, 17 की टेबल में 68 कितने टाइम आता है, कितने टाइम आता है, 17 × 4 = 68। सो 17 × 4 = 68। माइनस करो यहां, 8 − 8 = 0, 6 − 6 = 0। हुआ क्लियर कि अगर 68 है तो 68 को इस मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के थ्रू, 17 × 4 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के थ्रू अगर मैं 68 को डिवाइड करती हूँ, तो पहले मैं अगर 17 से करती हूँ, फर्स्ट टर्म में मैं 17 से डिवाइड कर रही हूँ, तो आंसर क्या आया मेरे पास, 17 × 4 = 68। क्या आंसर आया मेरे पास, 4। क्या आंसर आया मेरे पास, 4। नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, 68 × 4 कि 68 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, डिवाइड करना है, सॉरी 68 को 4 से डिवाइड करना है। कैसे करूंगी डिवाइड, 4 स्मॉल है, 6 बिगर है, तो फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4 and 4 × 2 = 8। 8 तो बिगर हो गया, 8 तो बड़ा हो गया, किससे, 6 से, तो 8 से स्मॉल डिजिट क्या है, 4 की टेबल में, इन द टेबल ऑफ 4 व्हाट्स ग्रेटर देन 6, 8 एंड व्हाट्स स्मॉलर देन 6, स्मॉलर देन 6, 4, हाउ मेनी टाइम्स इट्स कमिंग, 4 × 1, सो 4 × 1 = 4। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, 6 − 4 = 2, 6 − 4 = 2। नाउ नेक्स्ट डिजिट विल कम बिलो,
जो नेक्स्ट डिजिट है क्या है? 6 को हमने सॉल्व किया, नेक्स्ट डिजिट क्या है? 8, तो यहां 8 राइट डाउन कर लेंगे. ओके, अभी क्या करेंगे, 4 की टेबल में 28 कितने टाइम्स आता है? 4 टेबल में, इन द टेबल ऑफ 4 हाउ मेनी टाइम्स 28 कम्स? हाउ मेनी टाइम्स? 4 sevens are 28. सो 4 sevens are 28. नाउ सब्ट्रैक्ट 0, 0. ओके, व्हाट्स द आंसर? 17. ओके, व्हाट्स द आंसर? 17. सो विल राइट हियर 17 बाय डिवाइडिंग 4. क्या टर्म्स राइट डाउन किए हमने, कि अगर हमने 60 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या था, 17 into 4 equals to 68. ओके, देन 68 को पहले हमने 17 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया? 4. फिर 68 को 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4 से डिवाइड किया, 68 को 4 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया हमारे पास? 17. ओके, सो इसी तरह से आपको जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ये सॉल्व करने. क्या किया है हमने, कि अगर मैं 13 into 5 equals to 65 है, तो अगर मैं 65 डिवाइड बाय 13 करूंगी तो आंसर मेरे पास 5 आएगा, और अगर 65 डिवाइड बाय 5 करूंगी तो आंसर मेरे पास 13 आएगा. ओके, ये आपको चेकआउट करना है, एंड ये जो आपकी एक्सरसाइज है ये आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है. ओके, सेकंड क्वेश्चन, 96 divided by 16 equals to 6. क्या करना है, 16 into 6 equals to 96. 64 divided by 8, आपको क्या करना है, 64 को 8 से डिवाइड करना है, आंसर फाइंड करना है. 8 8s are 64. यहां क्या आया आंसर? 8. देन मल्टीप्लाई करना है, तो 8 into 8 equals to 64. ओके, सो इसी तरह से आपको बी एंड सी क्वेश्चन भी करने हैं. सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज 5.2 इन योर होमवर्क. ओके, बाय.